फैमिली कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के पूनम ब्लॉग्स के चैनल पे। क्या है कि आज हो गया है कितना तारीख, एक मिनट देख के बताता हूँ। आज हो गया 11 तारीख और सुबह मतलब कि दोपहर का टाइम हो गया और मम्मी यहाँ पे खाना वाना क्या बना रही हो? खाना बना रही हूँ आज। केवल सुबह से न लाइट है न पानी है न कुछ, कैसा दे रहा है उधर से ना। तो सुबह से क्या है कि फैमिली ना लाइट है ना पानी है, तो इस वजह से पानी का भी दिक्कत बहुत है। रात का भी पानी नहीं आ रहा था, रात से 10 बजे से पानी बंद हो गया था और सुबह कितने 12:10 हो गए, अभी तक पानी आया नहीं है। लाइट भी और नहीं मम्मी यहाँ पे देखिए क्या भिंडी की सब्जी बना रही है और रोटी बना रही है सादा। क्या है कि पानी आया नहीं तो क्या बनेगा। और क्या है कि मेरे जो इधर से यहाँ तक कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो बहुत दुख रहा, गला भी बैठ गया मेरा, तो इस वजह से आवाज़ मेरा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मम्मी भिंडी की सब्जी बना रही है और इधर बैठे बैठे रोटी भी बना रही है। तो हाँ, तो क्या बना रही हो? रोटी बना रही है, अरे मतलब कि वो आटा सान रही है, तो अभी आटा सान के तब फिर रोटी बनाएंगे। दिमाग भी नहीं काम करता कि मेरी मम्मी क्या करती है। आरो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्या है कि 10 मिनट में आरो भी निकल जाएगा स्कूल के लिए। और आज मैं गया नहीं तो मेरे सुबह गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, क्या पता अचानक से 2 दिन से कुछ भी हो रहा है, इधर पूरा दर्द कर रहा है। पानी भी काट के पियो, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और सब लोग बोल रहे हैं कि सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मम्मी आटा गूंद रही है और सब्जी बनने का लोग ब्लॉग में जो रही है, तब तक मम्मी सब करके तब आप सबसे मिलती है। देखते मम्मी आ गई, सब्जी चला रही है और यहाँ से आटा गूंद के अच्छे जा रही है। अब रोटी भी बनाने जुड़े रही है, खाना पानी बनता है। सबसे थोड़ी देर बाद मिलती है। तो फैमिली यहाँ पे देखिए पानी का इतना दिक्कत पड़ गया था, मैं गया दुकान के बगल से, देखे 3 डब्बा पानी लेके आया हूँ, एकदम हालत खराब हो गया। धूप भी बहुत कड़क है बाहर और मम्मी काम कर रही है, मतलब कि बर्तन धो रही है। देखिए यहाँ पे पानी निकाल के यहाँ पे बर्तन धो रही है और एकदम साथ में यहाँ पे देखिए मम्मी काम कर रही है फटाफट। और कितना एक बज गया है खाना बनाने, खाना बन गया है? खाना नहीं बना है यार, खाना फैमिली बन गया तो आप लोग ब्लॉग में जुड़ रही है। अब कब तक पानी और लाइट का वेट करेंगे? तब तक मैं दो डब्बा पानी मंगा के बर्तन सबसे पहले किचन साफ, किचन साफ रहता है तो अच्छा रहता है, किचन गंदा रहता है जिससे एकदम मन भटकता रहता है। तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहाना धोना, जब लाइट पानी आएगा तो होगा, जो मेन जरूरी है वो काम कर लेती हूँ। देखिए किस तरीके से कम पानी में हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आप लोग फैमिली ब्लॉग में जुड़े रही है, तब तक मेरे को भूख लगा, मैं खाना खा के तब आप सबसे मिलता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं 5:20 हो रहे हैं, हमारा 5 मिनट का घड़ी फास्ट है और हमने 2 डब्बे पानी मंगा के सारे घर को देख सकते हैं नीट एंड क्लीन कर दिए हैं। और इधर बर्तन वगैरह सब धो धा के एकदम किचन भी साफ कर दिए हैं, बर्तन देखिए सब इधर धुल के रख दिए हैं, किचन हमारा क्लीन हो गया है और घर भी हमारा क्लीन हो गया है। केवल अभी हम लोग केवल नहाए नहीं है, कपड़ा भी सारा पड़ा हुआ है, कल गुरुवार का दिन था और हमने कपड़े भी नहीं धुले हैं, पूरा दिन बीत गया। समझ में आता है बगैर पानी का इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। ये तो कैसे कैसे 10-20 लीटर पानी मिल गया जो कि घर की साफ़ सफाई हो गई, नहीं तो हालत एकदम ख़राब हो जाती, नहीं नहाए रहो नहीं कुछ किए रहो तो बहुत बेकार लगता है। इसी बीच कल भी दिल्ली फ़ोन की थी, कोमल का तबीयत ख़राब है और दोपहर में बड़ी वाली भाभी का भी फ़ोन आया था, वो गई थी भदोही हॉस्पिटल में अपने दोनों बच्चों को लेके दवा लेने। मम्मी का भी तबीयत ख़राब है भदोही से लेके दिल, मतलब गांव से लेके दिल्ली तक सबका तबीयत ख़राब बहुत चल रहा है। सीजन इतना ख़राब चल रहा है कि सोच के इसे टेंशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है तो दिमाग काम नहीं करता है। अब सोचो इतना टाइम हो गया इंसान बगैर नहाए, वो नहाए नहीं रहो तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। फिर भी सब्जी रोटी बनाई थी, सब लोग खाए हैं और आरोग्य स्कूल के से आने का समय हो रहा है, आर्यन गया है लेने।
तो कल की वीडियो आप लोग को देख के कैसा लगा कि आर्यन आरओ ने अचानक ऐसा क्वेश्चन किया? मुझे सोच के बहुत टेंशन हो रही थी कि ऐसा क्यों क्वेश्चन किया। मैं बाद में उससे जब स्कूल से आया मैं उससे पूछने लगी कि आरओ तुमने ऐसा क्यों क्वेश्चन किया, तो बोल रहा था कि मम्मी जब मैं क्या बताऊँ, मैं इसके लिए आपसे कुछ नहीं बोलता हूँ, जब भी कुछ बोलता हूँ तो आप रोने लगती हैं, तो इसलिए मैं आप सबसे नहीं कभी पूछता हूँ तो कभी आप रोने लगती हो, तो मैं कुछ बोलता भी नहीं था। तो कल अचानक से हम कहे अचानक से तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों करने लगे, क्योंकि आरओ मेरा छोटा था, जब आर्यन पापा ऑफ हुए थे तो वो हॉस्पिटल में ही देखा था अपने पापा को, फिर उसके बाद उसको याद नहीं है। बोल रहा था कि हॉस्पिटल में देखे थे, वो डॉक्टर अंकल बोले थे आज के बाद स्कूल लेके आना मत बच्चे को, और एक तब फिर आप खूब रो रही थी, इसके लिए हम नहीं पूछ रहे थे। तो हम कहे कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं उसको अच्छे से समझा दी हूँ, अब बच्चा है, हमें पता था कि एक दिन बच्चे लोग ज़रूर क्वेश्चन, क्योंकि आर्यन बड़ा था लेकिन आरओ मेरा छोटा था, उसको नहीं पता था, और जल्दी जब पूछता भी नहीं था कि हाँ क्या कैसे, सारी चीज़ें हमने उन लोगों के लिए पूछ, लेकिन कभी कभी होता है ना बच्चों को पिता का एहसास होता है, तो उसे एहसास हुआ होगा किसी बात को लेके, इसलिए उस क्वेश्चन कर लिया। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि हाँ, वैसे भी मैंने अपने पहले चैनल पे जो हमारा कि 50 के पूरे होने वाले थे, उस चैनल पे हमने सारे वीडियो डाले हैं, और जो लोग उस वीडियो को मतलब जो लोग उस चैनल पे होंगे हमारी सारी कहानी जानते हैं। अभी हमारा ये नया चैनल है, इस चैनल पे बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो हमने अपने बेटे को अपने पति के बारे में बता के अच्छा किया या बुरा किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कुछ जानकारी चाहिए हमारी लाइफ के बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो ज़रूरत रहेगा तो उसका जवाब मैं दूंगी, और जो ज़रूरत नहीं रहेगा तो सॉरी बोलती हूँ उसके लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं जिसका जवाब देना नामुमकिन होता है, तो जो ज़रूरी रहेगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि हमें भी बहुत सुनने को मिलता है, हमने इतने दिनों में क्या क्या नहीं देखा है, बहुत कुछ देखा है, हमने बहुत कुछ शेयर भी किया था अपने उस चैनल पर, इस चैनल पर तो चलो जाने दो, दुख है सुख है आता जाता रहेगा और सब कुछ होता रहेगा। गर्मी भी लग रही है, वो बोलते हैं ना कभी खुशी कभी गम जिंदगी में लगा रहेगा, ये तो बात की बात है, जब जिंदगी है तो सब कुछ झेलना पड़ता है, तो हम झेलने के लिए तैयार हैं। अपने बच्चों को मेरे पास तो बहुत मतलब कि बहुत से ऑप्शन आए, बहुत से ऑफर आए, मैंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे क्या क्या इतने दिनों मैंने कैसे कैसे कठिनाइयों से मैं गुजरी हूँ ये मैं ही जानती हूँ और मेरे बच्चे जानते हैं, मैं बच्चों को उतना शेयर नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ क्या कैसे अपना सब कुछ मैनेज करती हूँ। जब बुरा वक्त आता है चाहे कोई अपना कितना भी ना हो कोई साथ नहीं देता है, फिर भी हमारे मायके वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया और अभी तक दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और देते रहेंगे जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक देते रहेंगे। और मैं क्या बोल सकती हूँ, बस टेंशन से गुजर रही हूँ इस समय, हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि एक अकेले लेडीज़ को माँ बाप बनना, बच्चों की जिम्मेदारी लेके सब कुछ करना, ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए एक सीख है, क्योंकि अगर से हम दुख करके झेलते रहेंगे तो आगे शायद नसीब खुल जाए। पहले से इंसान सुखी कर सुख रहता है, लोगों की बातें नहीं एक्सेप्ट करता है, क्या कैसे मतलब समाज है दुनिया है, कुछ ना कुछ इंसान को देखना सुनना पड़ता ही है, तो हम तो सोचते हैं पहले हम दुख झेल लेते हैं, देखते हैं हमारे अच्छे दिन कब आते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमने आरओ को उसके पापा की सच्चाई बताकर अच्छा किया कि नहीं, नहीं अभी तक वो इसी कंफ्यूजन में रहता कि पापा मेरे हॉस्पिटल में है,
और मैंने आरओ को क्या सच्चाई बताई हूँ। ये अगर से आप आरओ के मुंह से सुनना चाहती हैं, आरओ के मुंह से सुनना चाहते हैं सब लोग, या मेरे मुंह से, या तो सामने सभी बच्चों को बैठा के हमने क्या बताया क्या नहीं बताया है, आप लोग को भी जानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और लाइट का वेट कर रही हूँ मैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाऊँगी नहीं। इसमें हालात सच में बहुत बेकार है, मायके से लेके दिल्ली तक एकदम टेंशन ही टेंशन है। वैसे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, फिर भी हंस के जीती हूँ। बस अपना वीडियो ये समाप्त करती हूँ, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नए अच्छे ब्लॉग के साथ, कमेंट जरूर करके जाइएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमने जो हमारा जो पुराना चैनल था, हम उसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद हमें एक जैसे अचानक से झटका लगा कि मैं क्यों ना फिर उस रिकवर चैनल के लिए बात करूं, तो आज डायरेक्टली लाइव चैट करके यूट्यूब वाले से आर्यन ने बात किया है। अब आप लोग प्रे करिए कि हमारा पुराना चैनल अगर से वापस आ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी की समझिए खुशी भी वापस खुशियाँ भी वापस आ जाएगी। बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी तक। अगर से हमारा चैनल रिकवर हो गया तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी, और उसके लिए हमने कितनी परेशानी झेली है, किस किन किन लोगों से बात नहीं किया नहीं हुआ। अगर से मेरे नसीब में रहेगा तो ज़रूर होगा, आप लोग का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो ज़रूर हो जाएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, मिलती हूँ एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।